देवियों सज्जनों, देखिए लाइक्स, वायरल व्यूज, हिट्स, फॉलो, ब्लॉक, अनफ्रेंड, आजकल ये शब्दावली जो है एक नई भाषा बन गई है। प्रेमिका रूठ जाए तो नो लाइक्स, झगड़ा हो जाए तो अनफॉलो, सुलह हो जाए तो फॉलो, फिर झगड़ा हो जाए तो ब्लॉक, इरिटेट करना हो तो पोक, अटेंशन चाहिए हो तो टैग। आजकल भाई साहब झगड़ा, दोस्ती, प्यार, दुलार, खाना पीना, घूमना, सब कुछ सोशल मीडिया पर ही हो रहा है। और इस बात को सबसे अच्छी तरह समझ सकती हैं मेरे सामने जो बैठी हैं, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। Hey beautiful people, I'm Oshin Patwa and welcome back to my channel. मैं यहाँ की पूरी vlogging करूँगी और आपको दिखाऊंगी। इनका नाम है ओशिन पटवा जी। प्रणाम करता हूँ आपको ओशिन जी, और तालियों के साथ आपका स्वागत। अभी वहाँ शुरू हो गई थी आप? हाँ सर, मुझे आपको भी कैप्चर करना था मेरे ब्लॉग में, इसलिए मैंने सोचा कि एक ब्लॉग छोटा सा शूट कर लेते हैं केबीसी का भी। यही मौका मिला आपको ये करने का। अच्छा सुनिए, आपका नाम है ओशिन। यस सर। ओशिन का मतलब क्या होता है? सर, ओशिन का मतलब होता है ओस, और ये एक जापनीज वर्ड है, और मेरे नाम के पीछे भी एक स्टोरी है। सर, बहुत पहले मेरा बर्थ भी नहीं हुआ था, तब एक सीरियल आता था, जापनीज सीरियल, और उसकी जो लीड रोल में जो लड़की थी उनका नाम था ओशिन, तो मेरी मम्मा को ये नाम वहीं से मिला है। आपकी माता जी आई हुई है यहाँ पर, प्रणाम करता हूँ और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम अर्चना पटवा है। बहुत बहुत स्वागत आपका अर्चना जी। अच्छा, ये आपने एक संकेत दे दिया है कि यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं, अगर बच्चा पैदा करना हो, उस समय जो भी सीरियल चल रहा हो, उस समय जो भूमिका निभा रहे हैं देवी जी, उनके नाम से ही रख देना चाहिए बच्चे का नाम। ओशिन जी, ये बताइए ये सोशल इन्फ्लुएंसर क्या होता है? हम लोग अपनी लाइफ को शूट करके लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाते हैं। जैसे कभी लाइफ में मेरे कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, लाइक मेरा बर्थडे हो रहा है, तो मैंने व्लॉगिंग किया, पूरा दिन अपना दिखाया कि मैंने क्या क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, कैसे तैयार हुई, तो वो लोगों को देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो इन्फ्लुएंसर क्या हुआ इसमें? मैं सही पूछ रहा हूँ कि नहीं? हम नॉलेजेबल चीजें भी बताते हैं, लाइक अगर मार्केट में कोई नई चीज आई तो उसका रिव्यू कि वो उसे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इस टाइप की वीडियोस भी शूट करके डालते हैं अपने चैनल पे। अच्छा, लोग हाँ, जो आपकी बात सुनते हैं फिर मानते हैं उसको? कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो हमारे जो पिक्चर रिलीज के लिए प्रमोशन होता है, तो सोशल इन्फ्लुएंसर क्या करता है? वो एक तरीके से प्रमोट करते हैं, लाइक एक टाइप का एडवर्टाइजमेंट करना। आपको पैसा मिलता है? नो सर, मैं अभी इतनी बड़ी नहीं हूँ। बड़ी मतलब इन्फ्लुएंसर क्या, साइज में बड़ा होना चाहिए? नो सर, मतलब मेरे फॉलोअर्स इतने ज्यादा नहीं है अभी। अच्छा, ऐसा है। तो अगर तो जिनके ज्यादा फॉलोअर्स हैं, हाँ, वो इन्फ्लुएंसर हो गए? यस सर, और वो लोग इस चीज के लिए अच्छा खासा चार्ज करते हैं। क्या बात कर रही हैं आप? यस सर, अंदर की बात बता दूं आपको देवी जी। यस सर, हम भी सोशल मीडिया पे हैं और ईश्वर की कृपा से अच्छे खासे लोग भी हो गए हैं फॉलोअर। यस सर, मैं भी एक हूँ। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई आ जाता है, सर हमारी एक पिक्चर बनी है, उसको आप अपने सोशल मीडिया पे डाल दीजिए। यस सर। तो हम उसको डाल देते हैं और हमको तो कोई पैसा वैसा देता नहीं है। नो सर, बट अब आप लिया करिए इस चीज के लिए पैसा। यस सर। सर, अगर आपकी वो दोस्त है तो मत लिया कीजिए। बट सबके सब दोस्त ही निकलते हैं। अच्छा, ये तो अच्छी जानकारी दे दी आपने हमें ओशिन जी। ओके, तो हम चाह रहे हैं कि आपका जो वीडियो बना हुआ है उसे देख लेते हैं। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? Beautiful
ब्यूटीफुल पीपल, आई एम ओशीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम गोइंग समवेयर एंड मैं कहां जा रही हूं ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी, तो उसके लिए मुझे बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है। मुझे अब सब कुछ पैक करना है बिकॉज कोई भी सामान मिस नहीं होना चाहिए। सो गाइज, आई एम इन मुंबई एंड मैं यहीं आने वाली थी। ओके गाइज, सो बहुत सारी बातें हो गई हैं, आप चलते हैं और मुंबई को एक्सप्लोर करते हैं। गाइज, ये एबी सर का पुराना घर है प्रतीक्षा, एंड होपफुली परसों मैं उनसे मिलने वाली हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। गाइज, मैं अभी जुहू चौपाटी के एकदम बीच में खड़ी हूँ, अभी हम पाव भाजी ट्राई करेंगे। हम यहाँ पर लिंकन रोड में शॉपिंग करने आए हैं। ये मार्केट, स्ट्रीट मार्केट मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मुझे व्लॉग करना इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे अपने आप को कैमरे में देखना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और मैं देखती थी वीडियोस दूसरे लोगों की, तो मुझे लगता था मुझे भी करना चाहिए। जैसे हम लोग हैं मिडिल कास्ट फैमिली, यानी ज़्यादा वो नहीं, लेकिन वो ना थोड़ी एक्सपेंसिव टाइप की है। वो शुरू से वो एरोप्लेन को देख के ऐसे लिफ्ट मांगती थी छत पे खड़े होके, हम लोग हंसते थे उसके लिए। हम बोले तो बोली मम्मी बड़ा सोचो, बड़ा सोचने से सपने होते हैं पूरे। ऐसे उसकी शादी हुई तो उसके बाद उसके ससुराल वाले एग्री हैं इसके लिए, तो वो रख सकती है अपना शौक, कोई माना नहीं माना तो फिर छोड़ना भी पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो छोड़ेगी। अभी तक तो मैं सिर्फ जबलपुर में ही ब्लॉगिंग करती हूँ, बट अगर केबीसी से मुझे एक बहुत ही बड़ा अमाउंट मिलता है तो मैं पूरे इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। मुझे अपनी शादी के लिए डिजाइनर लहंगा लेना है और भी बहुत सारे सपने हैं, मतलब मेरी लिस्ट तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। ओहो, पूरा मुंबई का दर्शन करवा दिया आपने। अच्छा, ये जो वीडियो आप बनाती हैं, हाँ, एक दिन में कितने बन जाते हैं? सर, एक दिन में ज़्यादा नहीं बनते हैं, मैं पूरे मंथ में 5 या 6 वीडियोस ही शूट कर पाती हूँ। लेकिन लोग मुझसे जुड़े रहें और लोग मुझ में इंटरेस्ट शो करें तो मैं थोड़े से BTS वगैरह डालती रहती हूँ पोस्ट में और स्टोरीज वगैरह में। क्या डालती रहती हैं? BTS सर, बिहाइंड द सीन। अच्छा, BTS। यस सर। सर BTS कभी कभी ऐसा, सारी दुनिया जो है वो एकदम संक्षिप्त हो गई है, LOL हो गया है, BTS हो गया है, क्या क्या ऐसे चलता रहता है ना। यस सर, ठीक है। सॉरी, मैं थोड़ा सा इसमें बहुत बेकार किस्म का आदमी हूँ, पता ही नहीं क्या होता है ये सब। ऑलराइट, तो आपके पास कोई टीम वीम होती है या अकेले ही करती हैं आप ये सब? नो सर, ये मैं पूरा स्टार्टिंग से लेके लाइक कंटेंट सोचना, फिर लिखना, फिर शूट करना, फिर एडिट करना, ये सब कुछ मैं ही करती हूँ, एक ही फोन पे करती हूँ मैं। ओहो, मैं माता जी से पूछना चाह रहा हूँ, इतना समय गुजार देती हैं ये वीडियो के सामने, आपको ठीक लगता है? नहीं, वो खाली समय में करती है, हमेशा नहीं करती, अपना काम भी करती है सुबह उठ के और शाम के टाइम। और जैसे कोई वीडियो रात में शूट करना पड़ता है तो कर लेती, हम लोग दे देते हैं टाइम। जी जी जी। क्या इरादा आपका कि कितने फॉलोअर्स होने चाहिए आपके ताकि आपको एक तरह से नौकरी पक्की हो जाए आपकी? सर, आई थिंक 50K। 50K? यस सर। ये देखिए, फिर समझ में नहीं आ रहा, 50 होता क्या है? 50,000। यस सर, 50,000। यस सर, समझ गए, 50K। ओके, तो जितना आप यहाँ से धनराशि जीतेंगी, उसका उपयोग कैसे होगा? मेन मैं अपनी मम्मा पापा के फ्यूचर के लिए सेव करना चाहती हूँ, कैमरे में इन्वेस्ट करूंगी, लैपटॉप में इन्वेस्ट करूंगी, माइक वगैरह लूंगी, ताकि मेरे जो वीडियोस के रेजोल्यूशन है वो अच्छे और अच्छे हों और मेरे वीडियोस और क्लियर हो और सुंदर लगे और सुंदर लगे। यस सर। विश्वास हो गया है? नहीं हो रहा। काहे चुटकी काट रही थी आप? हमने देख लिया आपको, जैसे ही आपका नाम घोषित हुआ चुटकी काट लिया आपने। सर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। नहीं नहीं, विश्वास आप रखिए, आप पहुंच गए हैं हॉट सीट पर। इतने करीब
नहीं नहीं करीब नहीं, हॉट सीट की बात कर रहा हूँ मैं। और हमारी आपकी जो करीबी है वो बनी रहेगी, आप खेलते जाइए और बस देखिए बहुत बढ़िया खेलेंगे आप। तो आप किस प्रकार का नृत्य जो है सिखाती हैं? सर मैं शास्त्रीय नृत्य कथक की तालीम दे रही हूँ। मैं 9 साल की थी तब से शुरू किया और मैं आज नडियाद के साथ साथ पहले डाकोर और अभी आनंद विद्यानगर सभी जगह पे मैं कथक नृत्य की तालीम। कितने वर्ष हो गए आपको ये शिक्षा नृत्य पे? 49 ईयर्स मुझे हो गए। हाँ, शिक्षा दे रही हैं? दे रही हूँ मैं। ओके, बहुत अच्छा लगता है हमें कला से जो भी संबंधित होते हैं और उनका आपके लिए यहाँ आ जाना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पसंदीदा फिल्म आपको क्या लगती है, अभी हाल में या पुरानी फिल्में कोई भी? सर आपको यकीन नहीं होगा पर मुझे तो आपकी अभिमान फिल्म बहुत पसंद है, सिलसिला पसंद है और दीवार। हम जब यंग स्कूल में थे आपकी जो पिक्चर थी अमर अकबर एंथनी, तो स्कूल में हम उसी के डायलॉग बोलते थे और स्कूल में भी जैसे मोनो एक्टिंग की कंपटीशन होती थी तो एक फ्रेंड थे उन्होंने आपका जो अमर अकबर एंथनी में वो एक मिरर पे आप चिपकाते हो। अमर घेतली में था उस समय। वो इतना और वो सीन मुझे भी बहुत पसंद है। तो सर जी ऐसी एक्टिंग करते थे स्कूल में भी आपको देख के। धन्यवाद धन्यवाद आप। ऑलराइट, वो दूसरा नृत्य क्या होता है? गोल गोल घूमते रहते हैं, घूमर घूमर होता है और उसमें कलाई का बहुत अच्छे से यूज होता है। घूमर इसमें नहीं होता क्या? इसमें होता है, दोनों में चक्री ज्यादा होते हैं। कालबेलिया में भी होती है और घूमर में भी चक्री होती है पर इसमें रिस्ट को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ओके ऑलराइट सर, कल टाइम थोड़ा कम था। हाँ जी। तो कल मैं बताना चाहती थी कि सर जो कल कोट आपने पहना था ना वो रंग आप पे इतना खिल रहा था और आप कितने यंग लग रहे हैं सर, क्योंकि 21 साल पहले भी जब मैं इस सेट पे आई थी तब में और आप आज में आप में कोई फर्क ही नहीं है, वैसे ही लग रहे हैं। प्रोड्यूसर जी ये कार्यक्रम बंद करो, मुझे नम्रता जी के साथ चाय पीने जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। वही नूर है जो 21 साल पहले देखा है मैंने। पति देव पुत्र सुन रहे हैं इसलिए थोड़ा सा चाय की ही बात बोली है, वरना भोजन वोजन खिलाने ले जाता मैं आपको रेस्टोरेंट। ऑलराइट हाँ सर, मेरे भाई कुशांग शाह। और बगल में मैं हूँ सर। ये आप हैं? हाँ। जाओ जाओ सर, आप तो वैसे ही लग रहे हैं, मैं बूढ़ी हो गई आप तो वैसे ही लग रहे हो। तो यही की बात है। हाँ सर, मतलब फर्स्ट सीजन में मेरे भाई के साथ मैं कंपेनियन बन के आई थी और कल ये हॉट सीट पे जो सपना मेरा 21 साल का था, तो सपने देखना मैंने कभी बंद नहीं किया। सपने अगर खुली आंख से देखे, हौसला बुलंद हो और मन मजबूत हो तो सपने कभी भी पूरे हो सकते हैं। तो मेरा ये सपना पूरा हो गया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। ऑलराइट, आपके बारे में हम कुछ ज्यादा जानकारी मिली नहीं तो हमारे पास जो वीडियो बना है ना उसको पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे आपसे हम। कैन वी सी द वीडियो प्लीज ऑफ नम्रता शाह जी? मैं कथक नृत्य 30 सालों से तालीम दे रही हूँ। 2 बच्चों से मैंने शुरुआत की। वर्तमान में मेरे पास 200 शिष्याएं हैं। जब नम्रता मैम कथक करते तभी मुझे भी लगता है कि मैं भी इनके जैसा ही कथक सीखूं। वो हम सबको हंसाती है। कृष्णा बताओ, कृष्णा कैसे करते? मटकी जो कुंभार होता है तो घड़े का आकार देता है, वैसे एक रॉ स्टूडेंट होता है उसको मैं पूरा आकार देती हूँ
और वो जब साक्षर हो जाता है तो मुझे बहुत आनंद मिलता है। निमृता मैम की वजह से ही, उनकी ट्रेनिंग से ही मुझे नेशनल बालश्री अवार्ड मिला है और नेशनल स्कॉलरशिप भी मिली है। नृत्य के साथ मैं उनको और भी बहुत सारी तालीम देती हूँ, उनको एंकरेज भी उतना करती हूँ। उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो भी मेरे पास आते हैं, माता पिता से भी पहले मुझे बताते हैं। कई बार तो ये बच्चे इतने जुड़ जाते हैं कि अपनी जीवन साथी की पसंदगी के लिए भी मेरी राय लेते हैं। अगर मैं KBC में कुछ जीत पाती हूँ तो मैं एक नृत्य आश्रम खोलना चाहती हूँ, जहाँ ज़रूरतमंद पर प्रतिभाशाली बच्चे आके रह सके और अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये कला भी सीख सके और कुछ जीवन में बन सके। कितना अच्छा लगता है, छोटी छोटी बच्चियाँ कितनी सुंदर हैं, कितनी प्यारी हैं, और उनको देख करके उनके चेहरे पर तो मुस्कुराहट थी, आप भी खूब मुस्कुरा रही थी। कितनी अच्छी बात है नम्रता जी, अपने शिष्यों को देख करके आप बहुत प्रसन्न होती हैं। आपने जिन जिन को शिक्षा दी है इनको कहीं बाहर भी ले जाती हैं आप? हाँ सर, 5 साल के होते हैं ये बच्चे, 5-6 साल के, तब से लेके 25-30 सालों के हो जाते हैं तब तक मेरे पास ही रहते हैं। 25-30 साल तक? हाँ सर। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने जाते हैं। और हमारा सदनसीब है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जब वो CM, अभी CM थे गुजरात के और अभी PM भी है, तो उनके सामने हमें बहुत बार परफॉर्म करने का सद्भाग्य भी प्राप्त हुआ है सर। और श्री उस्मान मीर के साथ हमने लाइव परफॉर्म किया है, और सर बहुत सारे फॉरेन डेलीगेट्स के सामने हमने परफॉर्म किया है, जैसे कि पूर्व प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे नमस्ते ट्रंप इवेंट के लिए, तो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में हमने स्टेडियम के अंदर परफॉर्म किया था। और कितनी बच्चियां थी उसमें? 10 बच्चियां थी। ये बहुत सुंदर लगता है जब कोऑर्डिनेट होता है सबका मूवमेंट और गोल गोल घूमती हैं। हाँ, इतनी बार घूमना पड़ता है, चक्कर नहीं आता है? सर नजर एक जगह पे टिकी हो तो चक्कर कभी नहीं आते। ठहर जाए, पतिदेव बहुत नाराज हो गए हैं इस बात पर।